प्रातः सूरज की किरणों के साथ प्रकृति की सुंदर छटा बस देखते ही बनती है। सूरज के प्रकाश से सब कुछ कैसे बदल जाता है। कुछ क्षण पहले हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे प्रकाश फैलने लगा सब दिखने लगा। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? प्रकाश क्या है? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? प्रकाश के आने से सभी वस्तुएं दृष्टिगोचर क्यों हो जाती हैं? या फिर प्रकाश के किन गुणों के कारण हम दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं? किसी दर्पण में हम छोटे या फिर किसी दर्पण में हम बड़े क्यों दिखाई देते हैं? पानी से भरे कटोरे में सिक्का तल की वास्तविकता से उठे होने का आभास क्यों देता है? पानी की बाल्टी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी क्यों प्रतीत होती है? या फिर वाहनों में विशेष प्रकार का दर्पण क्यों लगाया जाता है? हमारी इन्हीं सब जिज्ञासाओं को शांत करेगा हमारा अध्याय प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। अब सबसे पहले प्रश्न ये है कि आखिर प्रकाश है क्या? प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जो स्वयं दिखाई नहीं देता। जब किसी स्रोत से निकलने वाला प्रकाश या किसी वस्तु से टकराकर आने वाला प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है, तब वो दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करता है और हमें वस्तुएं दिखने लगती हैं। तभी तो जहां प्रकाश नहीं होता यानी अंधकार होता है, हमें कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है या फिर किसी अन्य स्रोत से प्रकाश आता है, तो सब कुछ दृष्टिगोचर हो जाता है। जानते हो, प्रकाश सदैव सरल रेखा में चलता है, इसीलिए छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया यानी शार्प शेडो बनाता है। ये एक दर्पण है। ध्यान दो, वही दर्पण जिसका प्रयोग हम घरों में अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। इसकी एक सतह पॉलिश होती है और जब इसकी पॉलिश सतह से प्रकाश किरण टकराती है, तो ये सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है। किसी वस्तु की सतह से टकराकर प्रकाश किरणों का उसी माध्यम में वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जो किरण दर्पण पर डाली जाती है वो कहलाती है आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। और जब ये किरण दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस आती है, तो वो कहलाती है परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण दर्पण के पृष्ठ पर जिस बिंदु पर आपतित होती है वो कहलाता है आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसी बिंदु पर दर्पण के समक्ष 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा अभिलंब यानी नॉर्मल कहलाती है। अभिलंब? हाँ, क्योंकि ये दर्पण पर लंब यानी परपेंडिकुलर के रूप में होता है, यानी दर्पण के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। एक बात का और ध्यान दे, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। आपतन कोण को कोण आई द्वारा
और परावर्तन कोण को कोण आर द्वारा दर्शाते हैं। किसी भी सतह से होने वाले परावर्तन के लिए आपतन कोण सदा परावर्तन कोण के बराबर होता है। जरा सोचो, यदि आपतित किरण समतल दर्पण पर लंब रूप में आपतित हो, यानी आपतन कोण शून्य अंश हो, तो परावर्तन कोण कितने अंश का होगा? आइए हम बताते हैं। अभी हमने देखा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि आपतन कोण शून्य अंश होगा तो परावर्तन कोण भी शून्य अंश ही होगा। यानी यदि प्रकाश किरण दर्पण पर लंबवत आपतित होगी तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते से ही वापस जाएगी। तो हमने क्या देखा? हमने देखा, जब भी किसी सतह से प्रकाश किरण का परावर्तन होता है तो आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण आई सदा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, और ये दोनों हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के ये नियम समतल दर्पण और गोलीय पृष्ठ सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं और हमें ये समझने में मदद करते हैं कि किसी दर्पण द्वारा वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये समतल दर्पण और ये बन रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब। आइए अब हम देखते हैं समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में क्या विशेषताएं होती हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। ये आकार में वस्तु के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित यानी लेटरली इन्वर्टेड होता है। यानी यदि आप समतल दर्पण के सामने अपना दायां हाथ ऊपर उठाएं, तो प्रतिबिंब में आपका बायां हाथ ऊपर उठता प्रतीत होगा। अब आप जानना चाहेंगे कि ये आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। जब किसी बिंदु से आरंभ होने वाली बहुत सी प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिलती है, तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब यानी इमेज कहलाता है। यदि किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तब वहां बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक यानी रियल कहलाता है। इसकी विशेष बात ये है कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। यदि किरणें वास्तव में नहीं मिलती परंतु पीछे बढ़ाए जाने पर मिलती प्रतीत होती है, तब बनने वाला प्रतिबिंब आभासी यानी वर्चुअल कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। आइए अब हम देखते हैं कि अगर परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। हम एक बड़ी चमकदार चम्मच लेते हैं। इसकी वक्रित दबी हुई सतह में अपना चेहरा देखने की कोशिश करते हैं। ये क्या, इसमें पास से देखने पर तो हमारा प्रतिबिंब सीधा और बड़ा दिखाई देता है,
लेकिन जैसे जैसे हम चम्मच को दूर लेकर जाते हैं तो प्रतिबिंब छोटा होता जाता है और उल्टा बनता है। चलिए अब जरा चम्मच को पलटिए, अरे यानी उल्टा कीजिए। ये क्या, चम्मच की सतह पर तो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, अब जरा चम्मच को दूर लेकर जाइए। प्रतिबिंब का आकार धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, लेकिन प्रतिबिंब सीधा ही रहता है। वास्तव में चमकदार चम्मच की वक्रित सतहें वक्रित दर्पण की तरह कार्य करती हैं। एक जहां परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है और दूसरा जहां परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले वक्र दर्पण का रूप है गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिनकी परावर्तक सतह गोलीय हो गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक वो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, उसे अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर कहते हैं। दूसरा वो जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, ये उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि चमकदार चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा है और चम्मच का बाहर की ओर का उभरा पृष्ठ लगभग उत्तल दर्पण जैसा है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, इसे सी द्वारा दर्शाते हैं। ध्यान रहे वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता, वो दर्पण पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव यानी पोल कहते हैं, ये दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है और इसे प्रायः पी अक्षर से दर्शाते हैं। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। वक्रता केंद्र और पोल के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम आर द्वारा दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र और पोल को एक सीधी रेखा से मिलाने की कल्पना कीजिए। ये रेखा दर्पण के ध्रुव पी पर अभिलंब है। इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एक अवतल दर्पण लीजिए, इसकी परावर्तक सतह को सूर्य की ओर कीजिए। अब दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर डालिए। कागज की शीट को आगे पीछे करके इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि कागज की शीट पर प्रकाश का एक चमकदार तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त हो। कुछ और देर दर्पण और कागज को उसी स्थिति में रखें। अरे अरे कागज तो सुलगने लगा, यहाँ तो धुआं उठ रहा है। हैरान हो रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है? वास्तव में कागज की शीट पर प्रकाश का ये बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। सूर्य से आने वाला प्रकाश
दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित होता है। इसके साथ सूर्य से आने वाली ऊष्मा भी अभिकेंद्रित हो जाती है। सूर्य की ऊष्मा के संकेंद्रण से उत्पन्न ताप के कारण कागज जलने लगता है। ये बिंदु अवतल दर्पण का लगभग फोकस है या फोकस का निकटतम बिंदु है। अवतल दर्पण पर जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, तो ये सभी किरणें परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलती हैं। इस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F द्वारा दर्शाते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण यानी कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। जब हम उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर पर समांतर किरणों का पुंज जो कि मुख्य अक्ष के भी समांतर है, तो प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर अभिसरित नहीं होती यानी परावर्तित होकर एक बिंदु पर नहीं मिलती। ये सभी किरणें परावर्तक सतह से टकराकर अपसरित हो जाती हैं, यानी एक दूसरे से दूर जाती हैं और दर्पण की दूसरी तरफ एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसी बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्योंकि प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर अपसरित होती हैं, इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी यानी डाइवर्जिंग दर्पण कहते हैं। फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ कहलाती है। इसे F द्वारा दर्शाते हैं। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह सामान्यतः गोलीय ही होती है, जिसकी एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक यानी एपर्चर कहलाता है। क्या वक्रता त्रिज्या यानी R और फोकस दूरी यानी F के मध्य कोई संबंध है? जी हाँ, छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। यानी किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा खंड के ठीक मध्य में होता है। F बराबर R बटे 2। आइए अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। एक अवतल दर्पण लेते हैं, उससे किसी दूर के पेड़ या वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब एक कागज की शीट पर प्राप्त करते हैं। अरे, ये तो उल्टा और अत्यंत छोटा है, और चूंकि इसे पर्दे पर प्राप्त किया गया है, इसलिए ये वास्तविक भी है। अब इस स्थिति में कागज और अवतल दर्पण के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। ये है 17.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गई इस अवतल दर्पण की लगभग फोकस दूरी। अब मेज पर चौक से एक लाइन लगाइए। अवतल दर्पण को एक स्टैंड पर रखिए। स्टैंड को लाइन पर इस प्रकार रखिए कि दर्पण का ध्रुव
लाइन पर स्थित हो। चौक से पहली लाइन के समांतर और इसके आगे दो लाइनें इस प्रकार खींचिए कि दो उत्तरोत्तर लाइनों के बीच की दूरी दर्पण की ज्ञात की गई लगभग फोकस दूरी के बराबर हो। तो ये लाइनें अब पी, एफ और सी की स्थितियों को दर्शाएंगी। पी यानी ध्रुव, एफ यानी मुख्य फोकस और सी यानी वक्रता केंद्र। अब एक जलती हुई मोमबत्ती लें, उसे सी से बहुत दूर रखें। एक कागज का पर्दा लें, इसे दर्पण के सामने आगे पीछे खिसकाकर इस प्रकार व्यवस्थित करें कि मोमबत्ती की लौ का एक तीक्ष्ण और चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त हो। हम पर्दे पर अत्यधिक छोटा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब देखते हैं। ये प्रतिबिंब लगभग मुख्य फोकस पर बन रहा है। अब मोमबत्ती को सी से थोड़ा परे रखें, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, और एक बार फिर पर्दे को आगे पीछे खिसकाकर मोमबत्ती की लौ का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त करें। यहाँ तो प्रतिबिंब F तथा C के बीच बन रहा है और प्रतिबिंब छोटा, वास्तविक और उल्टा है। अब मोमबत्ती को C पर रखते हैं और पर्दे को आगे पीछे खिसकाकर मोमबत्ती की लौ का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। अब तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। ये बिंब के समान आकार का, वास्तविक और उल्टा है। अब बिंब यानी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखिए। अब फिर से पर्दे को आगे पीछे खिसकाकर मोमबत्ती की लौ का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए। यहाँ प्रतिबिंब सी से परे बन रहा है। प्रतिबिंब आकार में बड़ा, वास्तविक और उल्टा है। अब बिंब को फोकस दूरी पर रखें और पर्दे को आगे पीछे खिसकाकर मोमबत्ती की लौ का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने की कोशिश करें। इस अवस्था में प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता, क्योंकि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये आकार में बिंब से बहुत बड़ा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। अब बिंब को ध्रुव और फोकस के बीच रखें। यहाँ प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, केवल आंखों से देखा जा सकता है। गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को हम आरेख बनाकर आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। जब हम एक सीमित आकार की वस्तु लेते हैं तो इसका प्रत्येक छोटा भाग एक बिंदु स्रोत की भांति कार्य करता है। इन बिंदुओं से अनंत प्रकाश किरणें उत्पन्न होती हैं। किरण आरेख बनाने के लिए हम ऐसी किरणों का चयन करते हैं जिनकी दर्पण से परावर्तन के बाद दिशा का पता लगाना आसान हो। जैसे दर्पण के मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात
अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एफ से गुजरती है या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस परावर्तित हो जाती है। जो प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है वो दर्पण की सतह या पृष्ठ पर अभिलंबवत पड़ती है, यानी दर्पण के पृष्ठ पर 90 अंश के कोण पर पड़ती है और इसीलिए वो अपने ही पथ पर परावर्तित हो जाती है। क्योंकि किसी भी दर्पण के पृष्ठ पर 90 अंश पर आपतित होने वाली किरण उसी पथ पर यानी 90 अंश पर वापस चली जाती है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। याद रहे, परावर्तन के नियम के अनुसार सभी अवस्थाओं में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आरेख बनाने के लिए हम सुविधा अनुसार इन्हीं में से किन्हीं दो किरणों को चुनते हैं। यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर होती है तो वस्तु ए बी से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और परावर्तन के बाद ये प्रकाश किरणें फोकस से गुजरती हैं। अतः वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु एफ पर बनता है। प्रतिबिंब बहुत छोटा वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जब वस्तु ए बी वक्रता केंद्र सी के बाहर यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रखते हैं तो ए से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण ए एम अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर फोकस बिंदु एफ से गुजरती है। ए से दूसरी प्रकाश किरण ए एन जो अवतल दर्पण की ओर जाते हुए दर्पण के वक्रता केंद्र सी से गुजरती है अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर उसी रास्ते यानी ए एन से वापस आ जाती है। जिस बिंदु पर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर बिंब ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। प्रतिबिंब छोटा वास्तविक उल्टा और सी और एफ के बीच बनता है। जब वस्तु ए बी वक्रता केंद्र सी पर रखी हो तो ए से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण ए डी अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के बाद फोकस एफ से गुजरती है। ए से दूसरी प्रकाश किरण ए ई जो कि एफ से गुजरती है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है।
ए डैश बिंदु पर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं। वहीं पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वस्तु के आकार के बराबर उल्टा तथा वास्तविक बनता है और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु ए बी फोकस बिंदु एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच रखी हो तो ए से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण ए डी अवतल दर्पण एम एन के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु एफ से गुजरती है। ए से एक अन्य प्रकाश किरण ए ई जो सी को ए से मिलाकर आगे बढ़ाने पर प्राप्त होती है अवतल दर्पण की ओर जाती है तथा दर्पण से परावर्तित होकर वापस उसी पथ यानी ए ई पर लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को ए डैश बिंदु पर काटती हैं। वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश उल्टा वास्तविक बड़ा और सी से परे बनता है। जब वस्तु ए बी फोकस बिंदु पर स्थित हो तो ए से एक प्रकाश किरण ए डी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के बाद फोकस बिंदु एफ से गुजरती है। ए से दूसरी प्रकाश किरण ए ई जो सी को ए से मिलाकर आगे बढ़ाने से प्राप्त होती है अवतल दर्पण की ओर जाती है और परावर्तन के बाद उसी रास्ते वक्रता केंद्र सी से वापस लौट जाती है। किरण ई ए और किरण डी बी एक दूसरे के समांतर गमन करती हैं और ये दोनों प्रकाश किरण ई ए और डी बी अनंत पर जाकर मिलेंगी और तब वस्तु का बहुत बड़ा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनेगा। जब वस्तु ए बी दर्पण और फोकस बिंदु एफ के मध्य कहीं भी स्थित हो तो ए से एक प्रकाश किरण ए डी मुख्य अक्ष रेखा के समांतर दर्पण की ओर जाती है और परावर्तन के बाद फोकस बिंदु एफ से गुजरती है। ए से एक अन्य प्रकाश किरण ए ई जो कि सी को ए से मिलाकर आगे बढ़ाने पर प्राप्त होती है परावर्तन के बाद उसी रास्ते वापस आ जाएगी। ये दोनों ही किरणें दर्पण की दूसरी तरफ जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर वस्तु का सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। तो हमने क्या सीखा, चलो एक बार दोहरा लेते हैं। अवतल दर्पण, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस एफ पर होगी। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा यानी बिंदु आकार होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टी होगी। जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र सी से परे हो तो प्रतिबिंब की स्थिति एफ तथा सी के बीच होगी। प्रतिबिंब का आकार छोटा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक
और उल्टी होगी। जब वस्तु की स्थिति सी पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति भी सी पर ही होगी। प्रतिबिंब का आकार समान आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टी होगी। जब वस्तु की स्थिति F तथा C के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति C के परे होगी। प्रतिबिंब का आकार बड़ा यानी विवर्धित होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टी होगी। जब वस्तु की स्थिति F पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी। ऐसे में प्रतिबिंब का आकार असीमित रूप से बड़ा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टी होगी। जब वस्तु की स्थिति दर्पण ध्रुव P तथा फोकस F के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे होगी। प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी होगी। तो साथियों, अब तक तो हम जान चुके हैं कि जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो तो अवतल दर्पण के द्वारा हम प्रकाश किरणों का समांतर पुंज प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अवतल दर्पणों का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण द्वारा सीधा, बड़ा, आभासी या उल्टा, वास्तविक और छोटा या फिर बड़ा प्रतिबिंब बना सकते हैं। शेविंग दर्पण भी अवतल दर्पण होता है जिसमें चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ग्रहों और तारों आदि का अध्ययन करने के लिए दूरदर्शी में बड़े बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग कर उनसे स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। क्यों, है ना ये नई जानकारी? अब जरा सोचो, यदि वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा? चलो इसे हम करके देखते हैं। एक उत्तल दर्पण लीजिए, इसे एक हाथ में पकड़िए। अब दूसरे हाथ में एक सीधी नोकीली खड़ी पेंसिल पकड़िए और अब पेंसिल को दर्पण से धीरे धीरे दूर ले जाइए। हम देख रहे हैं प्रतिबिंब हमेशा छोटा, आभासी और सीधा बन रहा है। ध्यान दे रहे हैं ना आप? चलो उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति को किरण आरेख द्वारा भली भांति समझते हैं। जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर होती है तब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर आपतित होती हैं। ये किरणें परावर्तन के बाद अपसरित यानी डाइवर्ज हो जाती हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणें फोकस बिंदु F से आ रही हैं और फोकस पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। यदि वस्तु AB को उत्तल दर्पण के सामने अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच कहीं भी रखा जाए तो वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की एक किरण दर्पण पर आपतित होगी और परावर्तन के बाद दर्पण के दूसरी तरफ फोकस से आती हुई प्रतीत होगी।
जैसे एक अन्य प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी की ओर जाती है और दर्पण पर आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद उसी रास्ते वापस लौटती है। ये सी से आती प्रतीत होती है। जिस बिंदु ए डैश पर ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती प्रतीत होती है, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु ए बी अनंत और दर्पण के बीच कहीं भी रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच बनता है। ये प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और आकार में वस्तु से छोटा होता है। साथियों, अभी तक हमने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के बारे में जो कुछ सीखा, क्या आपको याद है? थोड़ा थोड़ा। चलो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस एफ पर दर्पण के पीछे होती है। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा यानी बिंदु आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधी होती है। यदि वस्तु की स्थिति अनंत और दर्पण ध्रुव पी के बीच होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति पी तथा एफ के बीच यानी दर्पण के पीछे और प्रतिबिंब का आकार छोटा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी होती है। अब जरा ये बताइए, आप किस दर्पण से किसी बड़ी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं? सोचिए। अच्छा, चलो इस समस्या को हम करके देखते हैं। सबसे पहले समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखें और देखें। अब अवतल दर्पण के सामने एक बड़ी वस्तु रखें और उसका प्रतिबिंब देखें। और फिर अब आखिर में उत्तल दर्पण के सामने भी वस्तु रखें और उसका प्रतिबिंब देखें। अब आप एक छोटे से उत्तल दर्पण में ऊंचे भवन या पेड़ का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं। यही प्रतिबिंब हमें बिना छुए दर्पण को पहचानने में मदद करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दूर होने पर तो बिंब से छोटा बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन जैसे जैसे बिंब दर्पण के बहुत नजदीक आता जाता है, प्रतिबिंब आकार में बड़ा होता जाता है और बिंब को अवतल दर्पण के बहुत नजदीक रखने पर तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब समान आकार का बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा देखे जाने पर प्रतिबिंब हमेशा छोटा और सीधा बनता है। इसीलिए तो उत्तल दर्पण सामान्यतः वाहन के पार्श्व यानी साइड में लगाए जाते हैं, जिससे वाहनों के ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सके और सुरक्षित वाहन चला सके। एक बात और, उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया हर प्रतिबिंब सीधा होता है और छोटा होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रत होता है। समझे? इसीलिए
उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में पार्श्व में किया जाता है। गोलीय दर्पण के द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर बात करते समय हम नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी यानी न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हैं। इसके अनुसार दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी पोल से मापी जाती हैं। आपतित प्रकाश यानी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक यानी पॉजिटिव मानी जाती हैं। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक यानी नेगेटिव मानी जाती हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी बिंब दूरी कहलाती है। इसे U द्वारा दर्शाते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है और इसे V द्वारा दर्शाते हैं। ध्रुव से फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे F द्वारा दर्शाते हैं। क्या इन तीनों राशियों में कोई संबंध होता है? ये तीनों राशियां यानी U, V और F एक सूत्र द्वारा आपस में जुड़ी हुई है और ये सूत्र है 1/V + 1/U = 1/F। इस सूत्र को दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला कहते हैं। गोलीय दर्पण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति के साथ साथ प्रतिबिंब का आकार भी बदलता है, कभी छोटा और कभी बड़ा। वो आपेक्षिक विस्तार जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितने गुना आवर्धित है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कहलाता है। गोलीय दर्पण का आवर्धन M प्रतिबिंब के आकार H' तथा बिंब के आकार H के अनुपात के बराबर होता है। आवर्धन M बराबर प्रतिबिंब का आकार H' / बिंब का आकार H, M बराबर H' / H बराबर / V / U। सामान्यतः बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। आभासी प्रतिबिंबों के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक लेनी चाहिए। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है और यदि आवर्धन के मान में
धनात्मक चिन्ह हो तो हम कहते हैं कि प्रतिबिंब आभासी है। समतल दर्पण द्वारा आवर्धन। समतल दर्पण में वस्तु और वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से समान दूरी पर स्थित होते हैं। यदि बिंब की दूरी बराबर घटा u तो प्रतिबिंब की दूरी बराबर v बराबर u जमा h डैश बराबर जमा h, m बराबर जमा 1। अतः समतल दर्पण का आवर्धन यानी m का मान 1 है। इसीलिए तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अभी तक आपने देखा कि प्रकाश की किरण एक माध्यम में जब किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम प्रकाश की एक और नई घटना का अध्ययन करेंगे। सोचिए, अगर प्रकाश किरण किसी परावर्ती माध्यम से होकर जाएगी तो क्या होगा? आइए पहले हम इन घटनाओं का अध्ययन करते हैं। पानी से भरे कांच के बर्तन में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल देखें। ये तो पानी की ऊपरी सतह पर टेढ़ी लग रही है। ऐसा क्यों? ये इसलिए होता है कि पेंसिल के पानी में डूबे भाग से और पेंसिल के पानी के बाहर के भाग से प्रकाश भिन्न दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है और इसीलिए पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अब हम पानी के स्थान पर केरोसिन या तारपीन का तेल लेते हैं। अब इसमें पेंसिल को आंशिक रूप से डुबोते हैं। यहाँ तो पेंसिल और भी अधिक मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है। अब हम इन छापे हुए अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखकर देखते हैं। अरे, ये तो ऊपर उठे हुए प्रतीत हो रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा बदल जाती है। आइए एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। एक पानी से भरी बाल्टी ले, इसकी तली में एक सिक्का रखिए। अपनी आंख को पानी के ऊपर एक साइड में रखकर सिक्के को एक बार में उठाने की कोशिश करें। अरे, सिक्का तो हाथ में ही नहीं आया। चलो एक और खेल खेलते हैं। एक मेज पर एक बड़ा उथला कटोरा लेते हैं और उसकी तली में भी एक सिक्का रखते हैं। अब कटोरे से धीरे धीरे दूर हटते हैं। जब सिक्का ठीक से दिखाई देना बंद हो जाए तो रुक जाते हैं। अब कोई दूसरा व्यक्ति उस कटोरे में इस तरह पानी डाले कि सिक्का अपनी जगह से हिले नहीं। अरे, ये क्या? हमें तो सिक्का फिर से दिखने लगा। जानते हैं ये क्या है? ये है प्रकाश के अपवर्तन का कमाल। प्रकाश की दिशा में माध्यम के परिवर्तन के साथ होने वाला परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है।
आइए अब हम प्रकाश के अपवर्तन को कांच के स्लैब की मदद से समझते हैं। एक मेज पर एक सफेद कागज की शीट लगाइए। इस पर एक मोटी रेखा खींचे और अब कांच के स्लैब को इस रेखा पर इस प्रकार रखें कि कांच का स्लैब का एक कोर इस रेखा से कोई कोण बनाए। अब स्लैब के नीचे आए रेखा के भाग को पार्श्व यानी साइड से देखें। कांच के स्लैब के नीचे की रेखा कोरों यानी एजिस के पास मुड़ी हुई लगती है। अब कांच के स्लैब को इस प्रकार रखिए कि ये रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाए ताकि ये रेखा के अभिलंबवत हो। अरे यहाँ तो कांच के स्लैब के नीचे रेखा का भाग मुड़ा हुआ नहीं प्रतीत होता। ये सभी प्रेक्षण प्रकाश के अपवर्तन के आधार पर ही समझे जा सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश एक माध्यम में हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। प्रकाश की चाल हर माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश एक विरल माध्यम में प्रकाश की चाल प्रकाश एक सघन माध्यम की तुलना में अधिक होती है। जब प्रकाश किरण एक प्रकाशिक विरल माध्यम से प्रकाशिक सघन माध्यम में या प्रकाशिक सघन माध्यम से प्रकाशिक विरल माध्यम में तिरछी जाती है तो अंतःपृष्ठ पर सीधी रेखा में गमन करती हुई प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और अपना पथ बदल लेती है। लेकिन ये सब कैसे होता है, आइए इसको जानने के लिए एक आसान सा प्रयोग करते हैं। एक ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिन की सहायता से एक सफेद कागज की शीट लगाएं। शीट के ऊपर बीच में कांच का आयताकार स्लैब रखें। पेंसिल से स्लैब की रूपरेखा खींचे। इस रूपरेखा का नाम ABCD रखें। चार एक समान ऑल पिन लीजिए। दो पिने मान लीजिए ई तथा एफ को ऊर्ध्वाधरतः इस प्रकार लगाएं कि पिनों को मिलाने वाली रेखा कोर AB से कोई कोण बनाती हुई हो। पिन ई तथा एफ के प्रतिबिंबों को विपरीत फलक यानी कोर CD की तरफ से देखें। दूसरे दो पिनों माना G तथा H को इस प्रकार लगाएं कि ये पिनें E और F के प्रतिबिंब एक सीधी रेखा में स्थित हों। अब पिनों और स्लैब को हटाइए। पिनों E तथा F की नोकों की स्थितियों को मिलाइए और इस रेखा को AB तक बढ़ाइए। मान लीजिए EF AB से बिंदु O पर मिलती है। इसी प्रकार G तथा H पिनों की नोकों की स्थितियों को मिलाइए और इस रेखा को कोर CD तक बढ़ाइए। मान लीजिए HG CD से O' पर मिलती है। अब O तथा O' को मिलाइए। EF को भी बिंदुकित रेखा यानी डॉटेड लाइन द्वारा P तक बढ़ाइए। बिंदु O' से बिंदुकित रेखा OP पर लंब
PL डालिए। आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि प्रकाश किरण ने अपनी दिशा बिंदुओं O तथा O डैश पर परिवर्तित की है। बिंदु O तथा O डैश पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठों पर स्थित हैं। अब AB के बिंदु O पर एक अभिलंब N N डैश खींचिए। CD के बिंदु O डैश पर दूसरा अभिलंब M M डैश खींचिए। बिंदु O पर प्रकाश किरण प्रकाशिक विरल माध्यम वायु से प्रकाशिक सघन माध्यम कांच में प्रवेश कर रही है। हम देखते हैं कि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। बिंदु O डैश पर प्रकाश की किरण प्रकाशिक सघन माध्यम कांच से प्रकाशिक विरल माध्यम वायु में प्रवेश कर रही है और प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ रही है। ई ओ है आपतित किरण, ओ ओ डैश है अपवर्तित किरण और ओ डैश एच है निर्गत किरण। आपतन कोण है कोण ई ओ एन और अपवर्तन कोण है कोण एन डैश ओ ओ डैश। कोण एम डैश ओ डैश एच है निर्गत कोण। हम देख रहे हैं कि आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा है क्योंकि वायु से कांच में जाते हुए प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ रही है, लेकिन कांच से वायु में जाते हुए प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ रही है, इसीलिए तो कोण O O डैश M कोण H O डैश M डैश से छोटा है। एक बात और, यहां निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर है। क्यों? क्योंकि आयताकार कांच के स्लैब के विपरीत फलकों AB तथा CD पर प्रकाश किरण के मुड़ने का परिमाण समान तथा विपरीत है, इसीलिए प्रकाश किरण में थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन होता है। ये पार्श्विक विस्थापन O डैश L के बराबर है। प्रकाश की दिशा में माध्यम के परिवर्तन के साथ होने वाला ये परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसीलिए जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई प्रकाशिक विरल माध्यम से प्रकाशिक सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और इसीलिए अपवर्तन कोण आपतन कोण से छोटा होता है। इसी तरह तिरछी गमन करती हुई प्रकाश की किरण जब प्रकाशिक सघन माध्यम से प्रकाशिक विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से परे मुड़ जाती है, अतः अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है। समझे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? ये अपवर्तन आखिर होता क्यों है? प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण ही अपवर्तन की घटना घटती है। यदि प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब पर
90 अंश के कोण पर आपतित होती है तो प्रकाश किरण के पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता और ये EOO-F की दिशा में सीधी निकल जाती है। यहाँ आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण तीनों ही शून्य होंगे। क्या प्रकाश के परावर्तन के नियमों के समान प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम होते हैं? हाँ, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात स्थिर होता है। यदि आपतन कोण है आई तथा अपवर्तन कोण आर, तब साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन 2-1। यहाँ एन 2-1 एक स्थिरांक है जिसे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि ये अपवर्तनांक क्या होता है, आइए इसे विस्तार से समझें। हमने देखा कि तिरछी गमन करती हुई प्रकाश किरण वायु से किसी अन्य प्रकाशिक माध्यम में जाने पर कुछ मुड़ जाती है। किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को सापेक्ष अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी माध्यम की प्रकाश को मोड़ने की क्षमता ही अपवर्तनांक यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहलाती है। अपवर्तनांक को हम एन द्वारा दर्शाते हैं। जिस माध्यम के लिए ये अनुपात यानी अपवर्तनांक अधिक होता है तो प्रकाश उस माध्यम में जाते हुए अपनी दिशा से अधिक मुड़ जाता है। अब आप ये तो जानते ही हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना। निर्वात में प्रकाश अधिकतम चाल से चलता है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। क्योंकि हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग समान होती है, इसलिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर माना जाता है। यदि माध्यम एक निर्वात या वायु है तब पारदर्शी माध्यम 2 का अपवर्तनांक एन 2-1 निर्वात या वायु के सापेक्ष माना जाता है। ये माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। एन 2-1 बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे
माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर सी बटा वी और ये बराबर है एन एम। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में जाती है तो अभिलंब की ओर अधिक मुड़ती है, क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा काफी कम होती है। जब प्रकाश किरण हवा से पानी में जाती है तो अभिलंब की ओर कम मुड़ती है, क्योंकि जल में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। इसलिए कांच का अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक से अधिक होता है। दो माध्यमों में जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वो दूसरे माध्यम की तुलना में प्रकाशिक सघन होता है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो प्रकाशिक विरल होता है। अब यदि वायु में प्रकाश की चाल बराबर है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड और कांच में प्रकाश की चाल बराबर है 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो कांच का अपवर्तनांक बराबर होगा वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, यानी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड बटा 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये बराबर हुआ 3/2 यानी 1.5। तो कांच का अपवर्तनांक है 1.5, जो कि एक स्थिरांक है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग कांच में प्रकाश के वेग का 1.5 गुना है। कांच का अपवर्तनांक है 1.5 और जल का अपवर्तनांक है 1.33। चूंकि कांच का अपवर्तनांक जल से अधिक है इसलिए वो जल की अपेक्षा अधिक प्रकाशिक सघन है, और इसीलिए तिरछी गमन करती हुई प्रकाश किरण का जल की अपेक्षा कांच में अधिक दिशा परिवर्तन होता है। यदि हमें माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष ज्ञात करना हो तो ये माध्यम एक के अपवर्तनांक और माध्यम दो के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होगा, या माध्यम दो में प्रकाश की चाल व माध्यम एक में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होगा। यदि n1:2 बराबर माध्यम एक का अपवर्तनांक बटे माध्यम दो का अपवर्तनांक बराबर n1/n2। माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटे माध्यम एक में प्रकाश की चाल बराबर v2/v1। ये आवश्यक नहीं है कि प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान और घनत्व भी अधिक ही हो। उदाहरण के लिए केरोसीन या तारपीन के तेल का अपवर्तनांक जल से अधिक होने के कारण ये पानी की तुलना में प्रकाशिक सघन माध्यम होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान और घनत्व पानी की तुलना में कम होता है, इसीलिए ये पानी के ऊपर तैरता है। आपने ज्योतिषी को
अक्सर लेंस की मदद से हाथ की रेखाएं पढ़ते तो जरूर देखा होगा। घड़ी सास को भी लेंस की मदद से घड़ी ठीक करते हुए देखा होगा। लेंस की ये उपयोगिता भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। आखिर ये लेंस है क्या? यहाँ अपवर्तन किस प्रकार होता है? आइए अब हम लेंस और अपवर्तन के बारे में जानें। लेंस क्या होता है? लेंस पारदर्शी कांच का एक टुकड़ा है जिसमें एक या दो गोलीय पृष्ठ जुड़े होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। ऐसा लेंस जिसमें बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ हों, द्वि उत्तल या उत्तल लेंस कहलाता है। ये किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस यानी कॉन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ऐसा लेंस जो बीच में से तो पतला और किनारों से मोटा होता है, यानी जिसमें दोनों पृष्ठ मध्य से अंदर की ओर वक्रित होते हैं, द्वि अवतल लेंस या अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस कहलाता है। ऐसा लेंस प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, इसीलिए इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं। अधिकतर प्रयोग में आने वाले लेंस, चाहे वो उत्तल हो या अवतल, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। लेंस का वक्रता केंद्र प्रायः अक्षर सी द्वारा दर्शाया जाता है, क्योंकि लेंस के दो वक्रता केंद्र हैं, इसलिए इन्हें C1 और C2 द्वारा दर्शाते हैं। लेंस का केंद्र बिंदु O प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। इससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा लेंस का मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक यानी एपर्चर कहलाता है। हम छोटे द्वारक के पतले लेंस के साथ प्रयोग करेंगे। क्या होता है जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती हैं? आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। एक उत्तल लेंस लें, उसे सूर्य की ओर इस तरह पकड़ें कि सूर्य का प्रकाश एक कागज की शीट पर फोकसित हो। इस प्रकार सूर्य का एक चमकदार स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब लेंस को कुछ समय तक इसी प्रकार पकड़कर रखें। ये क्या, कागज तो सुलगने लगा? अरे अरे, इसने तो आग पकड़ ली।
ऐसा क्यों हो गया? सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती हैं। लेंस द्वारा ये किरणें एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में कागज पर अभिकेंद्रित हो जाती हैं। इसके साथ ही सूर्य से आने वाली ऊष्मा की तरंगें भी अभिकेंद्रित हो जाती हैं। बिंदु पर उच्च ताप उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए कागज जलने लगता है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें जब बाईं ओर से उत्तल लेंस पर आपतित होती हैं, तो अपवर्तन के बाद वो लेंस के दूसरी तरफ एक ही बिंदु पर अपसरित होती हैं, यानी एक ही बिंदु पर मिलती हैं, और उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस के दाईं तरफ से लेंस पर आपतित होती हैं, तो वो अपवर्तन यानी रिफ्रेक्शन के बाद लेंस के बाईं तरफ एक ही बिंदु पर मिलती हैं, और ये भी लेंस का मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। तो इस प्रकार लेंस में दो फोकस बिंदु होते हैं, और इन्हें F1 और F2 द्वारा दर्शाते हैं। किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशित केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहाँ होता है? यदि अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित की जाएं, तो ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं, और इस बिंदु को अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अब एक उत्तल लेंस लीजिए। लेंस को अपने हाथ में पकड़कर सूर्य के प्रकाश को एक कागज की शीट पर फोकसित करें। लेंस और सूर्य के प्रतिबिंब की स्थिति के बीच की दूरी नोट कर लें। ये लेंस की लगभग फोकस दूरी के बराबर होगी। अब लंबी मेज पर चौक का प्रयोग करके 5 समांतर सीधी रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि किन्हीं 2 उत्तरोत्तर रेखाओं के बीच की दूरी लेंस की लगभग फोकस दूरी के बराबर हो। लेंस को एक लेंस स्टैंड पर लगाइए। इसे मध्य रेखा पर इस प्रकार रखिए कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र इस रेखा पर स्थित हो। लेंस के दोनों ओर 2 रेखाएं फोकस F और 2F को दर्शा रही हैं। इन्हें उचित अक्षरों 2F1, F1, F2 और 2F2 द्वारा दर्शाएं। एक जलती हुई मोमबत्ती को बाईं ओर 2F1 से काफी दूरी पर रखें। लेंस के विपरीत दिशा में रखे एक पर्दे पर इसका स्पष्ट और तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त करें। यहां प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, लगभग बिंदु आकार का, और साथ ही वास्तविक तथा उल्टा। अब इसी प्रकार बिंब की स्थिति बदलते रहें और उसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट करें। जब बिंब को रखा 2F1 से परे, तो प्रतिबिंब बना दूसरे फोकस बिंदु
F2 और 2F2 के मध्य, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु यानी बिंब से छोटा है, और प्रकृति में ये वास्तविक तथा उल्टा है। जब बिंब को 2F1 पर रखा गया तो प्रतिबिंब बना 2F2 पर। प्रतिबिंब आकार में बिंब के बराबर वास्तविक और उल्टा है। जब बिंब को रखा फोकस बिंदु F1 और 2F1 के बीच, तो प्रतिबिंब दूसरी ओर 2F2 से परे बड़ा, वास्तविक और उल्टा बना। जब बिंब को फोकस बिंदु F1 पर रखा तो प्रतिबिंब बना अनंत पर, और ये बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये वास्तविक और उल्टा होता है, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। जब बिंब को फोकस बिंदु F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखा जाए, तो इसका प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनेगा जिधर बिंब रखा जाए। यहाँ बड़ा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस प्रतिबिंब को केवल देखा जा सकता है, लेकिन पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब है। आइए अब देखते हैं कि अवतल लेंस द्वारा बिंब का प्रतिबिंब कैसे बनता है। एक अवतल लेंस लेते हैं और उसे एक लेंस स्टैंड पर रखते हैं। लेंस के एक ओर एक जलती मोमबत्ती को रखते हैं। अब मोमबत्ती के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। लेंस के दूसरी तरफ से देखने पर पता चलता है कि प्रतिबिंब छोटा और सीधा है, अर्थात आभासी है। आभासी प्रतिबिंबों का अध्ययन हम किरण आरेख बनाकर समझेंगे। अब हम किरण आरेखों द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनाने की क्रिया समझेंगे। इसके लिए हम कुछ ऐसी किरणों की चर्चा करते हैं जिनका मार्ग लेंसों से अपवर्तन के बाद भली भांति ज्ञात होता है। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात दूसरे मुख्य फोकस F2 से गुजरती है, और यदि लेंस अवतल हो तो अवतल लेंस में प्रथम फोकस F1 से अपसरित होती यानी फैलती या दूर जाती हुई प्रतीत होती है। किसी उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण या अवतल लेंस में दूसरे फोकस F2 पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है।
लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए निकल जाती है। इन तीनों में से किन्हीं दो किरणों की मदद से लेंस से प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख खींचा जा सकता है। आइए अब छोटे द्वारक वाले पतले उत्तल लेंस द्वारा किसी विस्तृत वस्तु एपी के विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब के किरण आरेख देखते हैं। ये है प्रकाशिक केंद्र ओ। F1 और F2 हैं प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस। F1 O F2 है मुख्य अक्ष। जब वस्तु उत्तल लेंस से दूर कहीं इन्फिनिटी पर होती है तो वस्तु से आने वाली सभी प्रकाश किरणें लगभग मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य फोकस F2 पर मिलती हैं। इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब भी मुख्य फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, बहुत छोटा और उल्टा बनता है। जब वस्तु AP को 2F1 से परे रखा जाता है तो वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है लेंस से अपवर्तित होकर दूसरी तरफ फोकस बिंदु F2 से गुजरती है और बिंब A से जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाती है वो अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए निकल जाती है। ये दोनों किरणें फोकस बिंदु F2 और 2F2 के बीच में मिलती हैं। यहीं A' पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये आकार में वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। जब वस्तु को 2F1 पर रखा जाता है तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। वो लेंस से अपवर्तित होकर दूसरी तरफ फोकस F2 से गुजरती है और जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से गुजरती है वो बिना विचलन के सीधी निकलती है। ये दोनों किरणें लेंस के दूसरी तरफ 2F2 पर मिलती हैं और यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आकार में वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा होता है। इसी प्रकार जब वस्तु को 2F1 और फोकस F1 के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब 2F2 से परे बनता है। और ये वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा होता है। जब वस्तु को फोकस F1 पर रखा जाता है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस द्वारा अपवर्तित होकर फोकस से होकर गुजरती है और अन्य प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर बिना विचलन के सीधी गुजर जाती है। ये दोनों किरणें समांतर होने के कारण किसी बिंदु पर नहीं मिलती, इसीलिए प्रतिबिंब
अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु को फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के मध्य रखा जाता है, तो प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। तो वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति इस प्रकार हुई। यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति F2 पर होगी। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा यानी बिंदु आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होगी। यदि वस्तु की स्थिति 2F1 से परे हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति F2 तथा 2F2 के बीच होगी। प्रतिबिंब का आकार छोटा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होगी। यदि वस्तु की स्थिति 2F1 पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 पर होगी। प्रतिबिंब का आकार समान आकार होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होगी। यदि वस्तु की स्थिति F1 तथा 2F1 के बीच हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 से परे होगी। प्रतिबिंब का आकार बड़ा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होगी। यदि वस्तु की स्थिति फोकस F1 पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी। प्रतिबिंब का आकार असीमित रूप से बड़ा अथवा अत्यधिक विवर्तित होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होगी। यदि वस्तु की स्थिति फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति जिस ओर वस्तु है उस ओर होगी और प्रतिबिंब का आकार बड़ा यानी विवर्धित होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधी होगी। अब हम अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझेंगे। जब वस्तु को अनंत पर रखा हो, तो प्रकाश किरणें अनंत से आती हुई अवतल लेंस से अपवर्तित होकर एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, यानी फोकस F से अपसरित यानी डाइवर्ज होती प्रतीत होती हैं और फोकस पर अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु को अवतल लेंस के सामने अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य कहीं भी रखा जाता है, तो वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद प्रथम फोकस से अपसरित होती यानी दूर जाती प्रतीत होती है। एक अन्य प्रकाश किरण जो वस्तु से आती हुई प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है और बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। और ये दोनों किरणें अवतल लेंस के फोकस F1 और O के बीच एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं और वहीं
आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के सामने प्रकाशिक केंद्र और आनंद के मध्य वस्तु को कहीं भी रखा जाए, प्रतिबिंब हमेशा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। आकार में छोटा बनेगा। वस्तु को प्रकाशिक केंद्र से जैसे जैसे दूर ले जाते हैं, प्रतिबिंब छोटा होता जाता है और लेंस से दूर और फोकस के नजदीक होता जाता है। इस प्रकार अवतल लेंस के सामने वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति इस प्रकार होती है। यदि वस्तु की स्थिति है अनंत पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी फोकस F1 पर। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा यानी बिंदु आकार होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधी होगी। वस्तु की स्थिति अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच होने पर प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच होगी। प्रतिबिंब का आकार छोटा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी होगी। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी भी गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए उपयोग में लाई गई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के ही समान होती है। वस्तु को लेंस के बाईं ओर रखते हैं, यानी प्रकाश लेंस पर बाईं ओर से आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ली जाती हैं। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक यानी पॉजिटिव मानी जाती हैं। आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक यानी नेगेटिव मानी जाती हैं। लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाने वाली ऊंचाइयां धनात्मक यानी पॉजिटिव मानी जाती हैं। लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी जाने वाली ऊंचाइयां ऋणात्मक यानी नेगेटिव मानी जाती हैं। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किसी पतले गोलीय लेंस के लिए वस्तु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी यानी U प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी यानी V तथा फोकस दूरी यानी F के मध्य क्या संबंध होगा? ये संबंध लेंस सूत्र द्वारा दर्शाया गया है। 1/F = 1/V / 1/U। किसी गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात या प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात के बराबर होता है। इससे हमें पता चलता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कितना छोटा या कितना बड़ा होगा। इसे M अक्षर द्वारा दर्शाते हैं।
यदि बिंब की ऊंचाई h हो और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, तो आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर h डैश बटे h। और ये हम पहले ही देख चुके हैं कि आवर्धन बराबर v बटे u, तो v बटे u बराबर h डैश बटे h। चूंकि अवतल लेंस के केस में v यानी प्रतिबिंब की दूरी हमेशा u यानी बिंब की दूरी से छोटी होती है, इसलिए अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार हमेशा बिंब के आकार से छोटा होगा। अवतल लेंस के लिए v तथा u सदा ही ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब भी आपतित किरण की दिशा के विपरीत बनता है, यानी उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु होती है, तो v भी ऋणात्मक होता है और u भी ऋणात्मक। इसीलिए अवतल लेंस का आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन वस्तु की स्थिति पर निर्भर करेगा। जब बिंब बहुत अधिक दूर होगा तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और जैसे जैसे वस्तु लेंस के पास लाएंगे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा। किसी भी लेंस की फोकस दूरी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार तथा स्थिति को अत्यधिक प्रभावित करती है। कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बड़े कोण पर झुकाकर उन्हें प्रकाशिक केंद्र के निकट फोकसित कर देता है। इसी प्रकार किसी लेंस द्वारा उस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा की माप उस लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस कहलाती है। कम फोकस दूरी के लेंस की क्षमता अधिक होती है, इसीलिए वो प्रकाश को अधिक झुका देता है यानी बड़े कोण पर मोड़ देता है। हम किसी लेंस की क्षमता को सीधे लेंस मापी या डायोप्टर मीटर द्वारा मापते हैं। किसी लेंस की क्षमता को उस लेंस की फोकस दूरी f के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है, p बराबर 1/f। लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर है। ध्यान रहे, यदि हम f को मीटर में व्यक्त करते हैं तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में दर्शाई जाती है, जिसका प्रतीक है d। एक डायोप्टर बराबर एक अभिसारी यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अतः इसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। और अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अतः उसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है। आइए अब देखते हैं, यदि लेंस की क्षमता जमा 2 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। लेंस की क्षमता p बराबर है 1/f, तो p बराबर 1/f यानी f बराबर 1/p, f बराबर 1/2 बराबर 0.5 मीटर। यदि p बराबर है
दो डायोप्टर, तो इस लेंस की फोकस दूरी हुई 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर। यहाँ क्या आप लेंस पहचान सकते हैं? यहाँ चूंकि फोकस दूरी धनात्मक है तो लेंस होगा उत्तल लेंस। आइए अब एक और लेंस देखते हैं जिसकी क्षमता घटा 2.5 डायोप्टर है। अब इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और लेंस की प्रकृति पहचानिए। पी बराबर घटा 2.5 डायोप्टर, पी बराबर 1/f, यानी एफ बराबर 1/p। तो पी का मान रखने पर एफ बराबर 1/(2.5) बराबर घटा 10/25 मीटर बराबर घटा 0.40 मीटर। तो ये एक अवतल लेंस होगा क्योंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है। और हम जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। कई बार प्रकाशिक यंत्रों में प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित यानी बड़ा और स्पष्ट बनाने के लिए कई लेंसों को संयोजित किया जाता है, तब निकाय की कुल क्षमता P पृथक पृथक लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होती है। P बराबर P1 + P2 + P3 और इसी प्रकार आगे। चश्मा बनाने वालों के लिए लेंसों की फोकस दूरी के स्थान पर क्षमताओं का उपयोग करना काफी सुविधाजनक है। कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में और दूरदर्शक में किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है और दर्पण और लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। धन्यवाद।